नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज यानी 29 जून को सड़क पर उतरकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि संदीप पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा को जब लगा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, तभी सीबीआई को आगे कर दिया। अलीगढ़ के नगला मसानी स्थित राजकीय चिकित्सालय में आज प्रातः 10 बजे रोजगार मेला लगेगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मॉडल कैरियर सेंटर, राजकीय आईटीआई, कौशल विकास मिशन एवं विजन इंस्टीट्यूट दिल्ली गेट मेले का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेले में 8 कंपनियां लगभग 4,500 रिक्त पदों पर चयन कर ऑफर लेटर देंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर आज एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग के लिए पंजीकरण विंडो खोलेगा। आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एनआईएम सीईटी काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज यानी 29 जून बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल ब्रिज टाउन स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि फाइनल मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का सामना भारत के धाकड़ गेंदबाजों से होने वाला है। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन आज यानी 29 जून को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। बता दें कि जिला स्तरीय कार्यक्रम हरिदेव जोशी रंगमंच बांसवाड़ा में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्मिक विभाग द्वारा 499 नवनियुक्त कार्मिकों की सूची प्राप्त हुई है, जो कार्यक्रम में भाग लेंगे। झुमरी तलैया श्याम शरण में आचार्य का 27वां श्री श्याम मासिक अरदास महोत्सव आज शाम 7 बजे से महेश्वरी भवन में आयोजित है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बतौर यजमान संजय, सुनीता, शारदा मुख्य रूप से शामिल होंगे। जानकारी श्याम शरण में आचार्य के पप्पू सिंह और संतोष लड्डा ने बीते गुरुवार को दी है। लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय आईटीआई आज कैंपस ड्राइव आयोजित कर रहा है। बता दें कि कंपनी 100 पदों पर चयन करेगी, इसमें 50-50 पद पुरुष महिलाओं के लिए आरक्षित है। इच्छुक अभ्यर्थियों को बायोडाटा और साक्ष्यक प्रमाण पत्रों के साथ आईटीआई परिसर में सुबह 10 बजे पहुंचना होगा। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में LLM MEd कोर्स में प्रवेश परीक्षा आज यानी 29 जून को दो पालियों में 10 से 12 बजे से और 2 से 5 बजे तक 4 केंद्रों पर होगी। बांसवाड़ा में श्री रामचरित मानस मंडल के तत्वाधान में धनलक्ष्मी मार्केट पीपली चौक राम मंदिर के पास गली में श्री दुर्लभ राम महाराज मंदिर में आज यानी 29 जून को शाम 6 बजे से गणेश वंदना के साथ संगीतमय अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसके तहत हनुमान चालीसा पाठ, रुद्राष्टक पाठ भी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 2 जुलाई के दौरान जयपुर भरतपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में भरतपुर अजमेर कोटा संभाग में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जयपुर संभाग में अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1861 में आज के दिन हिंदी की प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म हुआ था। साल 1988 में आज के दिन राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का निधन हुआ था। साल 2002 में आज के दिन चीन में जबरदस्त भूकंप आया था। साल 2004 में आज के दिन पूर्वी एशिया सम्मेलन में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति मिली थी। साल 2005 में आज के दिन भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।